हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो प्लांट किंगडम जो शुरू कर रहे थे हम जो क्लास इलेवेंथ का एनसीईआरटी, उसमें हम एल्गी तो ख़त्म कर चुके हैं, एल्गी का क्वेश्चन भी देख चुके हैं। आज हम ब्रायोफाइट शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सॉरी कि मैंने लास्ट जो लेक्चर अपलोड की थी वो सैटरडे को, अब संडे तो ऑफ डे था इसलिए संडे को अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इशू है, अपलोड करने का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जब मंडे आया, मंडे को मैंने सोचा कि ब्रायोफाइट्स को मैं मंडे को ही अपलोड कर दूंगा। लेकिन मंडे को यहाँ पर मैं जहाँ जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में नेटवर्क का इतना इशू है कि मतलब ठीक से अपलोड ही नहीं हुआ। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी इसके लिए कि आज तो हम ब्रायोफाइट्स को अपलोड करेंगे, उसके साथ हम इलेवेंथ का भी और एक चैप्टर आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आपको मंडे को एक मिलना चाहिए था और आज मतलब ट्यूसडे को एक मिलना चाहिए था, लेकिन मंडे को तुम अपलोड हो नहीं पाया, इसलिए मैं ट्यूसडे को आज प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइट्स अभी अपलोड हो चुका होगा जब आप वीडियो को देख रहे होंगे। और मैं जो है जो इलेवेंथ का और एक जो लेक्चर अपलोड करूँगा और एक नया टॉपिक से, जो टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज़ द कम इन नीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इलेवेंथ का जो मतलब बोर्ड्स का जो एग्ज़ाम होता है इलेवेंथ का, उसमें भी आता है इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसके लिए आज ब्रायोफाइट्स को अच्छे से देख कर पढ़ लीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपका वो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है, हाँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसको भी आज ही अपलोड कर दूँ। मतलब हो ही चुका है, थोड़ा सा और काम बाकी है, वो अपलोड हो जाएगा। तो इसे आई एम सॉरी टू अपलोड दिस लेक्चर इन लेट। तो शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम ख़राब ना करके हम शुरू करते हैं। जो हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, मतलब हमारा जो प्लांट किंगडम में, देखिए जब व्हिटेकर ने 1969 को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पांच भाग में डिवाइड किया, एक है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। अब प्लांटी में क्या क्या है, प्लांटी में हमारा थैलोफाइटा है, स्पर्मेटोफाइटा है। अब थैलोफाइटा में क्या क्या होता है, मतलब एक होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एक है फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादा नहीं जाते हैं हम सिर्फ समझते हैं कि प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ना है। प्लांट किंगडम में हमारा थैलोफाइट्स में क्या क्या है, एल्गी एंड फंजाई में है, एल्गी एंड फंजाई। अब फंजाई अलग एक सेगमेंट हो चुका है जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वहाँ पर पढ़ेंगे। एल्गी हमारा ख़त्म हो चुका है, ओके वन सेकेंड, ओके। सो फंजाई तो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ख़त्म होगा, ये चैप्टर ख़त्म करते ही हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे। और एल्गी फंजाई हो गया, उसके बाद ब्रायोफाइट्स आया, ब्रायोफाइट्स हम ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे ट्रेडोफाइट्स, हाँ, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, और एंजियोस्पर्म का ज़्यादा नहीं है, एंजियोस्पर्म का थोड़ा सा ही है यहाँ पर पढ़ेंगे, और मॉर्फोलॉजी में डिटेल्स में हम एंजियोस्पर्म को डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं ब्रायोफाइट्स क्या है, ओके। सो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स। हिल में जो मॉइस्ट शेडेड एरिया है वहाँ पर ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। अब ब्रायोफाइट्स में हमें दो चीज़ पढ़ना है, एक है मॉसेस और दूसरा है लिवरवर्ट्स, ओके, ये दोनों हमें पढ़ने हैं, क्लियर। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल एंड आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। जो मतलब ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स ऐसी जगह पर मतलब जन्म, मतलब मट्टी, मतलब सॉइल में इसका जन्म होगा, लेकिन वो सॉइल कैसा होगा, वो सॉइल मतलब थोड़ा सा मॉइस्ट होगा, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा पानी के छींटे होना चाहिए, ओके। मतलब लैंड में ही उसका जो मेन जो हैबिटेट है वो जो लैंड ही है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसे वाटर की ज़रूरत है, क्योंकि उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आर्चीगोनियम, उसे हम आर्चीगोनियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं आर्चीगोनियम,
आर्चिगोनियम। अब आर्चिगोनियम जो होता है, आर्चिगोनियम नॉन मोटाइल है, लेकिन इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसका नाम है एंथ्रिडियम। लेकिन एंथ्रिडियम क्या है, मोटाइल है, मतलब एंथ्रिडियम चल सकता है लेकिन आर्चिगोनियम नहीं चल सकता, एक ही जगह पर होगा। इसका मतलब एंथ्रिडियम को ही आर्चिगोनियम के पास पहुंचना होगा। अब क्या है, एंथ्रिडियम तो मोटाइल है, चल सकता है, लेकिन कैसे जाएगा वो, क्या पैदल जाएगा, लेकिन पैदल तो जा नहीं सकता। इसके लिए क्या है, वाटर की ज़रूरत होता ही होती है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के ज़रिए वो स्विम करके आर्चिगोनियम के पास पहुँचता है। इसके लिए इसे क्या कहा जाता है, प्राइफाइट्स को, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दे यूजुअली ऑकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़, शेडेड लोकेलिटीज़ में देखा जाता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल, सॉइल एंड रॉक्स में उसका प्लांट सक्सेशन में हेल्प करता है। क्लियर हो गया, तो ये पार्ट में हम समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट, ओके, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन द एल्गी। एल्गी थे के मतलब एल्गी से ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है। मतलब एल्गी से ज़्यादा, हम एल्गी में देखे सिर्फ, हमें एल्गी में दिखाई देता था सिर्फ एक थैलस बॉडी है, बस एक थैलस बॉडी है, बाहर सेल वॉल है, भीतर सेल मेम्ब्रेन है, और कुछ देखे दिखाई नहीं देता था। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई देगा अलग अलग चीज़, क्योंकि यहाँ पर जब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हायर जो जेनस है, जैसे फ्यूनेरिया हो गया, स्पैग्नम हो गया, एंथोसेरस हो गया, इसमें क्या क्या दिखाया जाता था वो यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कैप्सूल दिखाई देता है, सीटा दिखाई देता है, फूट दिखाई देता है, हैं। और अगर हम जो हमारा जो मेन एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स का, उसका है रिक्शिया एंड मार्केंशिया। अब रिक्शिया एंड मार्केंशिया में कोई भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या ट्रू लीफ प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, अब रिक्शिया एंड मार्केंशिया तो इज एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट्स, इसमें रूट लाइक ऑर्गन दिखा जाता है, जिसे हम राइजोइड्स कहते हैं, रूट लाइक ऑर्गन। जैसे लीफ लाइक ऑर्गन भी दिखाई देता है, समझ में आया। तो इसके लिए ये ज़्यादा डिफरेंशिएटेड, ज़्यादा इलाबोरेट है। इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। थैलस लाइक, ये तो थैलस ही होगा, हैं, प्रोस्टेट होगा और इरेक्ट होगा। प्रोस्टेट मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं ये ज़मीन है, प्रोस्टेट का मतलब है वो ज़मीन पर ऐसे रेंगते हुए होंगे ज़मीन में, और इरेक्ट का मतलब ज़मीन ऐसे ऊपर, एरियल। ये हमारा हो गया प्रोस्टेट, ये हमारा हो गया इरेक्ट, समझ में आया। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। मैंने अभी कहा था जो ट्रू रूट तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें फॉल्स रूट, मतलब रूट लाइक ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसे हम राइजोइड कहते हैं। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, मैंने अभी बताया। दे रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक। जो रूट लाइक जो ऑर्गन है उसे हम कहते हैं राइजोइड, जो स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं कॉउलॉइड, उसे हम कॉउलॉइड कहते हैं। बट मतलब जो लीफ लाइक जो ऑर्गन होते हैं उसे हम कहते हैं फाइलॉइड। तो रूट लाइक को राइजोइड, स्टेम लाइक को कॉउलॉइड एंड लीफ लाइक को फाइलॉइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में आ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं रखा है। क्लियर, ओके, इसे इरेज कर देते हैं, अच्छे से दिखाई दे। हाँ, नेक्स्ट, ओके, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो हैप्लॉइड होगा। इट प्रोड्यूसेस गैमेट, गैमेट प्रोड्यूस होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं, इसका जो प्लांट बॉडी है इसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। सो क्वेश्चन आ सकता है, जो ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ऐसे आ सकता है गैमेटोफाइट फॉर स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड, समझ में आया। तो जो ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो हमारा है गैमेटोफाइट। ओके, द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट में वो मल्टीसेलुलर है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रिडियम। अभी मैंने बताया जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसे हम कहते हैं एंथ्रिडियम।
दे प्रोड्यूस बाई फ्लैजेलेट एंथेरोजॉइट्स, जो एंथेरियम में जो हमारा जो मेन गैमेट है उस गैमेट का नाम क्या है, एंथेरोजॉइट्स, जो बाई फ्लैजेलेट है। बाई फ्लैजेलेट मतलब उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, इसका मतलब क्या है, एंथेरोजॉइट हमारा हो गया मोटाइल। आया समझ में, जो एंथेरोजॉइट हो गया वो हमारा है मोटाइल। ओके देखिए, मैं जो जो उठाया है पूरा का पूरा एनसीईआरटी से है, क्योंकि बायोलॉजी में एनसीईआरटी हमारा बाइबल है, एनसीईआरटी से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है। ओके जब मैंने ट्वेल्थ दिया, बोर्ड्स दिया था, तो ऐसे ऑनलाइन का सुविधा नहीं था, अगर सुविधा होगा भी तो मुझे पता नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं था, तभी मुझे बहुत परेशानियों की सामना करके ट्वेल्थ देना पड़ा, क्योंकि हो सकता है ना जो टीचर मुझे पसंद है वो टीचर आपको नहीं पसंद है, ऐसा भी हो सकता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है हो सकता है आपको पसंद है, आपके दोस्तों को पसंद नहीं है, इसलिए जो मेरा जो केमिस्ट्री का टीचर था, बायोलॉजी का टीचर था, मुझे इतना अच्छा नहीं मिला। एक्चुअली हम बैच में पढ़ते थे, एक बैच में बहुत स्टूडेंट्स थे, 50-55 स्टूडेंट्स थे, इसलिए वहाँ पर समझना थोड़ा सा मुश्किल था, और काफ़ी बच्चे वो बहुत ही मतलब रिच फैमिली से थे, इसलिए उनके पास तो पैसे थे, उनको दो दो टीचर ले रखे थे एक घर को एक बैच में। ओके इसलिए मैं चाहता हूँ जो सुविधा मुझे नहीं मिला वो सुविधा मैं बच्चों को दूँ, हाँ विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं चाहिए मुझे आपसे, मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है आपसे, आपसे पढ़िए मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ऐसे मैं स्टडी मटेरियल भी देता हूँ, उससे आप किस किताब लेकर बैठिए और अच्छे से पढ़िए, और हो सके मैं जो जो बता रहा हूँ, जैसे कुछ देर पहले बताया जो रूट लाइक को हम राइजोइड कहते हैं, लिफ्ट लाइक को फाइलोइड कहते हैं, वो अच्छे से अपने किताब में नोट कर लीजिए, हाँ अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में आया, थैंक यू, सो थैंक यू मेरे बात समझने के लिए, आप अच्छे बच्चे हो, हाँ मेरी हर बात मानना, हम नीट 2021 को फोड़ेंगे, ज़रूर फोड़ेंगे। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्या बताया है, नेक्स्ट बताया है द फीमेल सेक्स ऑर्गेन कॉल्ड आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग, इसका मतलब जो हमारा जो आर्चिगोनियम होगा, आर्चिगोनियम कैसा दिखना होगा, ऐसे फ्लास्क शेप्ड होगा, ये हमारा आर्चिगोनियम ऐसे फ्लास्क शेप्ड होगा, और यहाँ पर जो हमारा एग होगा और यहाँ पर हमारा नेक कैनल सेल, वेंट्रल कैनल सेल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक कैनल सेल वेंट्रल कैनल सेल यहाँ पर प्रेजेंट होगा और यहाँ पर एग होगा, क्लियर, जो फ्लास्क शेप्ड होगा ये हमारा हो गया आर्चिगोनियम। ओके हमारा आर्चिगोनियम, द एंथेरोजॉइट्स आर रिलीज इन टू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्चिगोनियम, मैंने शुरुआत में बताया था कि जो एंथेरियम होता है वो वाटर में रिलीज होते हैं और स्विम करते हुए आर्चिगोनियम तक पहुँचते हैं। ओके एन एंथेरोजॉइट फ्यूजेस विथ एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, जो एंथेरोजॉइट होते हैं, एंथेरोजॉइट ऐसे इस एग के साथ फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, क्लियर, जाइगोट। सो अच्छे से समझ लीजिए, हमारा जो प्लांट बॉडी था, सॉरी वन सेकेंड ओके जो हमारा प्लांट बॉडी था, ये रहा हमारा प्लांट बॉडी क्या था, हैप्लॉइड था, इसका मतलब गैमेटोफाइट, तो इसके लिए इसलिए हम गैमेटोफाइट, अब जब जाइगोट तैयार हो गया, जाइगोट तैयार हो गया, वो हो गया हमारा 2N, क्योंकि हमारा एंथ्रोजॉइड N था, एग भी N था, तो ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, 2N बनाएंगे, सो हमारा ये हो गया जाइगोट, ये हमारा गैमेटोफाइटिक था, और यहाँ से हमारा शुरू हो गया स्पोरोफाइटिक जेनरेशन, क्लियर, हमारा जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन यहाँ से शुरू हो गया। सो क्वेश्चन आ सकता है, द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स नाम क्या है, हाँ जाइगोट, जाइगोट जो है, जाइगोट हमारा
स्पोरोफाइटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल है जो है जाइगोट। नेक्स्ट ये हमारा हो गया थैलस, मार्केशिया का है, मैंने बताया मार्केशिया यहाँ पर मेल थैलस है फीमेल थैलस है। अच्छा दोनों थैलस में दिखाई दे रहा है यहाँ पर राइजॉइड से। ओके अब राइजॉइड ये क्या है जो रिक्शिया एंड मार्केशिया है वो डॉर्सल वेंट्रल है। ओके डॉर्सल वेंट्रल है मतलब डॉर्सल साइड में भी हो सकता है, डॉर्सल एंड वेंट्रल दोनों साइड प्रेजेंट है। ओके इनमें राइजॉइड्स के अलावा कुछ स्केल्स भी प्रेजेंट है, कुछ स्केल्स भी प्रेजेंट है जो उन्हें मतलब किसी की किसी भी सबस्टैटम से अटैच करने में हेल्प करते हैं राइजॉइड्स के। ओके यहाँ पर गेमा काप प्रेजेंट है, गेमा काप क्या क्या करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओनली ऑन मार्केशिया, रिक्शिया में गेमा काप प्रेजेंट नहीं होता। रिमेंबर क्वेश्चन आ सकता है गेमा काप इज प्रेजेंट इन रिक्शिया मार्केशिया एंड थ्रोसरास प्लूनेरिया, आंसर क्या होगा मार्केशिया होगा, रिक्शिया में नहीं प्रेजेंट होता है। अच्छा यहाँ पर आर्चिगोनियोफोर एंथेरोनियोफोर अलग अलग क्यों दिखा है, अलग अलग दिखा है इसलिए जो मार्केशिया होता है मार्केशिया में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग प्लांट में होते हैं, एक प्लांट में नहीं होता। इसका मतलब क्या है डायोशियस है, दो अलग अलग प्लांट में होगा जो मोनोशियस कौन से, तो हमारा मैंने दो बताया रिक्शिया एंड मार्केशिया, तो रिक्शिया एंड मार्केशिया में कौन मोनोशियस एंड कौन डायोशियस है, तो जो मोनोशियस होता है वो रिक्शिया मतलब एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ओके एंड मार्केशिया डायोशियस है, एक ही प्लांट में नहीं होगा, दो अलग अलग प्लांट में होगा, एक प्लांट में अगर एंथेलिया हुआ तो अलग प्लांट में होगा आर्चिगोनिया, समझ में आया। नेक्स्ट ओके जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या है, क्या है रिडक्शन डिवीजन का मतलब है मियोसिस। ओके मियोसिस में मियोसिस नहीं करता इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। ओके वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म करते हैं इसे हमने स्पोरोफाइट कहा। ओके द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। सो मतलब जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, उसे गैमेटोफाइट में अटैच रहना पड़ता है। इसका मतलब स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट का अगर नहीं होगा तो स्पोरोफाइट नहीं जी सकता, समझ में आया। और क्या करता है उससे नरिशमेंट ले, न्यूट्रिशन ले लेता है गैमेटोफाइट से। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, कुछ कुछ जो सेल है वो रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस करते हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, दिस स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ये जो स्पोर होता है ये गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, आया समझ में। ओके अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब बायोफाइट्स क्या क्या हेल्प करता है हमारी। ओके ओके ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन कुछ कुछ मॉस क्या होता है फूड प्रोवाइड करते हैं कुछ कुछ मैमल्स को बर्ड्स को एंड बहुत सारे एनिमल्स को। स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम ए मॉस हाँ प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूएल एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। वो क्या करता है जो मॉस होता है मॉस पीट को प्रोड्यूस कर सकता है जो फ्यूल मतलब एज ए फ्यूल यूज होता है जिससे क्या होता है शिपमेंट होता है क्योंकि जो पीट है पीट वाटर को होल्ड कर सकते हैं, समझ में। ओके मॉसेस अलोंग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हिंस आर ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मॉसेस एंड लाइकेन के साथ एक हो जाते हैं तो वो रॉक को कॉलोनाइज कर सकते हैं जी। ओके दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सब्सट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। ओके डिकम्पोज कर सकते हैं रॉक को
सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, सॉइल में जो है डेंस मैट, मैट का मतलब क्या, जिसमें हम बैठते हैं वो नहीं है, जो ब्रायोफाइट्स का मैट, ब्रायोफाइट्स मतलब ज़मीन में सॉइल में ऐसे लिपट जाता है जिसे हम देखकर लगता है कि मैट, जैसे कि कुआ है, कुआ में, कुएं में चारों तरफ देखिएगा कुछ कुछ मतलब ग्रीन टाइप का लगा रहता है ना, उसे हम देखकर क्या लगता है जी कोई मैट मतलब ओढ़ दिया है, ऐसा लगता है ना, ऐसे ही। ओके, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन, हाँ सॉइल इरोशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ब्रायोफाइट्स का। ओके, अब ब्रायोफाइट्स दो तरीके का होता है, दो मैंने बताया था, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस, इन दोनों को हमें डिस्कस करना है, समझ में आया। ओके नेक्स्ट, ओके सबसे पहले जो है हमें पढ़ना है वो है लिवरवॉर्ट्स, समझ में आया, लिवरवॉर्ट्स को पढ़ना है। नो वन मिनट, लिवरवॉर्ट्स, द लिवरवॉर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एस बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड। यहाँ पर जो है लिवरवॉर्ट्स को वर्ड ग्रो करते हैं मॉइस्ट एरिया में, मतलब जो झील है, झील के किनारों पर, मार्शी ग्राउंड में, सॉइल में। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवरवॉर्ट इज थैलॉयड, दैट इज मार्केंशिया, एग्जाम्पल क्या है, मार्केंशिया, मार्केंशिया हमारा है एक लिवरवॉर्ट। एग्जाम्पल आ सकता है कि द, गिव मी एग्जाम्पल ऑफ लिवरवॉर्ट, मार्केंशिया। द थैलस इज डॉर्सोवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट, हाँ तो क्या है, डॉर्सोवेंट्रल है जो सबस्ट्रेट में लगा रहता है। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, कुछ मेंबर्स में लीफी जो मेंबर होता है वहाँ पर लीफ लाइक अपेंडेजेस दिखा जाता है। ओके नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉर्ट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थलाई, थलाई के फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ओके, और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गेमा, मैंने बताया था गेमा, सिंगुलर में गेमा कहते हैं और प्लूरल में गेमी कहते हैं। ओके सो गेमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गेमा कप लोकेटेड ऑन द थैली, थैलाई में कुछ मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम गेमा कप कहते हैं, उस गेमा कप में गेमा प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर, द गेमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, वो क्या करता है, जो प्लांट बॉडी से जब डिटैच हो जाता है तो डिटैच होकर एक नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकता है, आया समझ में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थलाई, मतलब सेम थलाई और डिफरेंट थलाई में, मतलब आइदर सेम थलाई में हो सकता है और डिफरेंट थलाई में, जैसे मार्केंशिया नहीं होगा। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल, जो स्पोरोफाइट है ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा फूड सीटा एंड कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, हाँ मियोसिस के बाद क्या होगा, कैप्सूल में स्पोर प्रोड्यूस होगा। दिस स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ओके ये जो स्पोर है स्पोर को स्पोर जर्मिनेट करने के बाद क्या है, जर्मिनेट करने के बाद फ्री लिविंग गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हो गया नेक्स्ट, जो हमारा पार्ट है वो है मॉसिस, जो इम्पोर्टेंट है। ओके, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। ओके, गैमेटोफाइट जो है मॉस का वो दो स्टेज होता है, जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारा हो गया प्रोटोनिमा स्टेज। ओके, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, जो स्पोर से डायरेक्टली डेवलप करता है उसे हम कह, वो जो स्टेज होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज। इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, ये क्या होता है, फिलामेंटस स्टेज होता है। ओके नेक्स्ट, द सेकेंड स्टेज, द फर्स्ट स्टेज क्या हो गया, प्रोटोनिमा स्टेज, क्वेश्चन आ सकता है मॉस का फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है, वो हो गया प्रोटोनिमा स्टेज। हाँ,
जो एक स्पोर्ट्स से क्या करता है, जर्मिनेट करता है स्पोर्ट्स से, हाँ वो क्रीपी, वो मतलब इसके बाद जो होगा वो क्रीपी स्टेज है, हाँ इसे अच्छे से पढ़ना है हमें। ये जो जो लाइन लिखा हुआ है इससे अच्छे से पढ़ना है, जो फिलामेंटस है, क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, इसे हमें पढ़ना है अच्छे से। हाँ नेक्स्ट द सेकेंड स्टेज इज द लिफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लैटरल बर्ड। सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ये प्रोड्यूस होता है जो हमें लैटरल बर्ड मतलब बर्ड के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइज स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लिप्स, जिनमें स्पाइरली अरेंज लिप्स प्रेजेंट रहते हैं। दे आर अटैच टू द सॉयल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड, इसमें मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गेन भी प्रेजेंट है इनमें। ओके वेजिटेटिव प्रोडक्शन इन मॉसेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, हाँ सेकेंडरी प्रोटोनिमा में ब्रडिंग बडिंग भी हो सकता है एंड सेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन भी होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लिफी शूट, लिफी शूट का जो एपेक्स है उस एपेक्स में एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया प्रेजेंट रहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डाइजाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ए फूड सीटा एंड कैप्सूल, हाँ फूड सीटा कैप्सूल प्रेजेंट रहेंगे। ओके द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलाबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट में जो मतलब स्पोरोफाइट थे उससे भी बहुत ज़्यादा एलाबोरेट है इन मॉसेस में। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, हाँ कैप्सूल क्या करो, कैप्सूल में स्पोर होता है, अब स्पोर क्या कब फॉर्म होता है, मियोसिस के बाद हम जानते हैं वो। द मॉसेस हैव एन एलाबोरेट मेकानिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्पोर डिस्पर्सल मेकानिज्म होता है मॉसेस में, जब कोई एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर होगा तब मैं उसे मतलब हल्का सा एक डिस्कस कर दूंगा जो कैसे होता है स्पोर डिस्पर्सल मेकानिज्म। ओके जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके कुछ एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैग्नम। ओके ये तीनों जो एग्जांपल हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो ब्रायोफाइट्स है वो ब्रायोफाइट्स ख़त्म होता है। अच्छे से हमने ब्रायोफाइट्स को डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हमने चार एग्जांपल्स के बात किया, एक है मार्केंशिया जो हमारा आगे आता है लिवरवर्ट्स में, एंड मॉसेस में आता है फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैग्नम। ओके ब्रायोफाइट्स का कुछ मतलब ब्रायोफाइट्स में जितना पढ़ा है कुछ कुछ मतलब कैरेक्टर्स हमें याद रखना है, जिससे जैसे कि इनमें जैसे मॉसेस में हमने देखा कि फूड सीटा कैप्सूल प्रेजेंट रहता है, कैप्सूल में प्रेजेंट रहता है क्या स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जो ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है जो ब्रायोफाइट्स। अब देखते हैं कुछ डायग्राम्स, दो डायग्राम्स देख लेते हैं, वन सेकेंड, सॉरी डायग्राम्स यहाँ पर मैंने डायग्राम्स नहीं डाला है, मैं इसके बाद वाले जो लेक्चर होंगे वहाँ पर मैं डायग्राम्स को आपको दिखा दूँगा। ओके सो अगर कुछ मतलब क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उससे को मैं ज़रूर याद मतलब जवाब दूँगा। ओके और आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके बट रिमेंबर नो कॉल नहीं करेंगे, कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप करना, कॉल बिल्कुल मत करना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके सो मैं एक टेलीग्राम का चैनल भी मैं क्रिएट कर दूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, हाँ व्हाट्सएप पर जब ग्रुप बन जाएगा तो मैं हर स्टूडेंट्स को अच्छे से मतलब कुछ देखकर टेलीग्राम को चैनल बना दूंगा। टेलीग्राम अब मतलब इस ज़माने में मतलब अभी टेक्नोलॉजी का ज़माने में जो टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम का चैनल बहुत ही मतलब टॉप पर है। सारे एजुकेटर्स, सारे जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स भी है, हाँ जैसे मैंने देखा कुछ कोचिंग सेंटर्स के इंस्टीट्यूट में, नाम नहीं बता सकती, हाँ वो भी इस
टेलीग्राम को ही प्रेफर करते हैं, वो मैं एक चैनल बना दूंगा, ओके उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ओके। तो अगर कोई भी सवाल होता है, कोई भी डाउट होता है, आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप में ये मेंशन कीजिएगा आपका नाम क्या है और आपका सिटी है, सिटी कहाँ पर है, आपका स्टेट कहाँ पर है, और आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और ज़रूर मेंशन कीजिएगा मैं आपका NCERT जो क्लासेस जो यूट्यूब चैनल से आया हूँ, हाँ बस इसे ही मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो ऑफलाइन जो मैं ऑफलाइन भी टीचिंग करता हूँ, मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो मुझे पता तो नहीं चलेगा ना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या क्या आपको मेंशन करना है, आपको मेंशन करना है नेम, सिटी विथ स्टेट, ओके नेम सिटी और स्टेट, हाँ ये तीनों मेंशन करना है, बस इन तीनों मेंशन करना है आपको व्हाट्सएप करके, समझ रहा है। तो आज हमारा जो लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, तो अगले लेक्चर में हम दोबारा मुलाकात करेंगे, और आज मैं शाम को या मतलब नाइट को और एक लेक्चर जो नया टॉपिक है, हम एक साथ दो टॉपिक शुरू करेंगे, तो जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका टोटल NCERT का जो 11th का जो बुक है, आखिरी चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम मतलब आखिर से आगे आएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, उसके बाद नर्वस सिस्टम, उसके बाद मूवमेंट एंड लोकोमोशन, उसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा, टेंशन मन मत लीजिएगा। सो गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़रूर लाइक कीजिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच, सॉरी।